हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 20 नवंबर 2019 की प्रीलिम्स रिटर्न सीरीज में आपका स्वागत है। देखो, इस डिस्कस में हम द हिंदू, पीआईबी, आरएसटीवी, जो हमारा न्यूज़ ऑन एआर है, योजना है, द इंडियन एक्सप्रेस और जो हिंदी न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, उनकी न्यूज़ को हम यहाँ पे कवर है वो करते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पे, वेलकम यूपीएससी का टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो नीचे लिंक भी दिया हुआ है ये डाउनलोड के लिए, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब देखते हैं आज की पहली न्यूज़। पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है लाला लाजपत राय के बारे में। देखो कंटेक्स्ट क्या था, कंटेक्स्ट ये था कि अभी 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की डेथ एनिवर्सरी थी, तो उसी मौके पर मतलब हमारे देश के एक नेशनलिस्ट लीडर रहे हुए हैं, तो इनको लेके हम कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इनका देखो एक दूसरा नाम भी था, वो था पंजाब केसरी। तो ध्यान रखना, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म हुआ था 1865 यानी कि 1865 में, और ये दयानंद सरस्वती के फॉलोअर थे। दयानंद सरस्वती कौन थे? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना है वो की थी। तो ऐसे आपको फिर ध्यान में रखने हैं। फिर आपको बताइए कि 1885 में हमारी जो नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी, इसकी स्थापना हो गई थी। और इसके बाद में देखो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी मेनली ये 1884-85 के टाइम पे बनी थी, तो उस टाइम पे इसको मतलब सर्टिफाइड किया गया था। बट जो हमारे लाला लाजपत राय थे, इन्होंने 1881 में ही कांग्रेस को ज्वाइन है वो कर लिया था, लगभग 16 साल की एज में। इसी के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखना कि इनके द्वारा जो पंजाब नेशनल बैंक बनाया गया था उस टाइम पे यानी कि ब्रिटिश इंडिया में, उनमें भी इनका काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और फिर 1885 में क्या हुआ था कि इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी, कहाँ पे? लाहौर में। ये आप ध्यान रखना कि लाहौर में इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी एजुकेशन को लेके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसी के साथ आपने एक नाम सुना होगा, लाल पाल बाल। लाल पाल बाल का क्या मतलब है? लाल का मतलब तो है यहाँ पे लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल। तो इनको तीनों को मतलब लाल पाल बाल के नाम से जाना जाता है। और इनका स्वदेशी गुड्स में या आप बोल सकते हो काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हुआ है। जब आपको पता है 1905 में बंगाल को पार्टीशन करने की बात की गई थी, तो उस टाइम पर काफ़ी बड़ी कॉन्ट्रावर्सी क्रिएट हुई थी और एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, तो उनमें लाला लाजपत राय का बहुत बड़ा योगदान हो रहा था। उस टाइम पे गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। तो ये इफेक्ट आपको क्लियर रखना है। देखो यूपीएससी कई बार कैसे क्वेश्चन पूछ लेती हैं कि जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे या गवर्नर कौन था, तो आपको ध्यान रखना कि भाई वो हुआ कब था। 1905 के टाइम की बात है, तो उस टाइम पे तो लॉर्ड कर्जन थे। इसी के साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इंडियन होम रूल लीग। देखो अमेरिका से स्टार्ट हुआ था ये होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट, और वो 1917 में स्टार्ट किया गया था न्यूयॉर्क से। तो वो जो स्थापना की गई थी होम रूल लीग के कॉन्सेप्ट की, वो लाला लाजपत राय के द्वारा ही की गई थी। इसी के साथ इनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया था 1920 में, जब कोलकाता में स्पेशल सेशन आयोजित किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि लाला लाजपत राय 1920 की आईएनसी यानी कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट रहे थे। और इनके बाद आपको पता है 1920 में ही नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, गांधी जी का यानी कि जो असहयोग आंदोलन था वो स्टार्ट हो गया था। 1928 में जब साइमन कमीशन को लेकर नारे लगाए जा रहे थे कि गो साइमन बैक, उस दौरान लाठीचार्ज में क्या हुआ था, लाला लाजपत राय का निधन है वो हो गया था। तो ये इनकी जीवनी के कुछ फैक्ट थे जिनके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है यहाँ पे, यूपीएससी अक्सर इनकी बुक्स के बारे में पूछ लेती है, तो ये आप बुक्स यहाँ पे देख लेते हैं। देखो जो इम्पोर्ट, वैसे तो इनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं, बट आप एक तो ये ध्यान रखना, अनहैप्पी इंडिया, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये बताओ कि ये बुक किसके द्वारा लिखी हुई है। एक ये था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इसी के साथ एक यंग इंडिया बुक किसकी है ये आप ध्यान रखना। और इम्पोर्टेंट मेनली ये तीन बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि ये बुक्स थी वो लाला लाजपत राय के द्वारा ही लिखी गई थी। इसी के साथ इन्होंने बायोग्राफी भी लिखी थी, किन किन की? मेजिनी, गेरिबाल्टी और जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन तीनों की इन्होंने बायोग्राफी भी लिखी है। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई किस किसने बायोग्राफी है वो लिखी है, तो ये यहाँ पे यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सांस के बारे में, यानी कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। देखो हमारे देश में जो 5 साल तक के बच्चों की हर साल जितनी डेथ होती है, उनमें 15% जो रिस्पॉन्सिबल होता है कारण की, जिस वजह से डेथ होती है, वो है निमोनिया। मतलब निमोनिया की वजह से हमारे देश में हर साल 5 साल से जो कम बच्चों की डेथ होती है, इसमें निमोनिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 15% रहता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसको कम किया जाए, क्योंकि देखो हेल्दी लाइफ सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान के तहत सभी को वो एक अच्छी लाइफ है वो प्रोवाइड करवा सकें। इसी के लिए भी कंटेक्स्ट ये आया है
कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने गुजरात में कैंपेन स्टार्ट किया है जिसका नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो स्टार्ट कहाँ से किया है? गुजरात से किया है। टारगेट क्या है कि निमोनिया से जो बच्चों की डेथ होती है चाइल्ड मोर्टेलिटी को उसको काउंटर है वो करना है। इसी के साथ और भी तरह के अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे जैसे कि निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है। इसी के साथ ही आगे जो एज अप्रोप्रिएट कौन सा पीरियड से इसको भी बूस्ट करने की बात है, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन का मतलब टीकाकरण, तो टीकाकरण इनको भी फोकस करने की बात यहाँ पे की गई है। तो ये ध्यान रखना कि ये प्रोग्राम सांस प्रोग्राम है वो कहाँ से स्टार्ट किया है, क्या इसका मोटो रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्लस के बारे में, यानी कि ADMM प्लस मीटिंग। ADMM प्लस का मतलब क्या हुआ? एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। देखो पहली बात तो इसके कंट्री मेंबर कौन कौन सी हैं, तो देखो एक तो आसियान की 10 कंट्री हैं, इसी के साथ ही प्लस सिक्स में कौन कौन सी आ जाती हैं? इंडिया आ जाता है, चाइना आ जाता है, जापान आ जाता है, और फिर अगर और हम बात करें तो यहाँ पे साउथ कोरिया भी आ जाता है, और साउथ कोरिया के साथ अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है और न्यूजीलैंड। तो ये तो हो गई हमारी आसियान प्लस 6, 16। इसमें 2 कंट्री और होती हैं, इन ये ध्यान रखना। ADMM प्लस मीटिंग में टोटल 18 कंट्रीज हैं, 16 तो ये हो गई, 2 कंट्री आप रख देना, एक तो रसिया एक USA। तो अभी जो इनकी मिनिस्ट्रियल मिनिस्टिंग है ना, मतलब कि आसियान और जो बाकी 8 कंट्रीज हैं, इनकी टोटल 18 कंट्रीज और डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनकी बैंकॉक में मीटिंग है वो आयोजित की जा रही है। नाम क्या है? ADMM प्लस मीटिंग, जहाँ पे आसियान के और बाकी जो 8 कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आके डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सिक्योरिटी में कोऑपरेशन किया जा सकता है। ये बैंकॉक में अभी आयोजित है वो की जा रही है। तो हमारे जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो भी यहाँ पे जा रहे हैं। अब कंट्री कौन कौन सी है वो हमने देख लिया, फोकस किस पे रहेगा? डिफेंस कोऑपरेशन और जो सिक्योरिटी स्ट्रेंथ के ऊपर टारगेट है वो रहेगा। इसी के साथ पीस स्टेब्लिश करनी है और डेवलपमेंट इस रीजन में सुनिश्चित किया जा सके। मेनली देखो जो ADMM प्लस जो ग्रुप है ना, इसका फोकस रहता है 5 मैकेनिज्म पे। एक तो रहता है मेरीटाइम सिक्योरिटी, एक रहता है काउंटर टेररिज्म, एक रहता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, चौथा रहता है यहाँ पे डिजास्टर रिलीफ, और इसके बाद में रहता है पीस कीपिंग ऑपरेशन एंड मिलिट्री मेडिसिन। तो इन 5 टारगेट पे कोऑपरेशन करने की बात यहाँ पे की गई है, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है विंटर ग्रेड डीजल के बारे में। देखो जो डीजल होता है ना गाड़ियों में यूज़ करते हैं, वो नॉर्मली लगभग -30 डिग्री के आसपास है वो जम जाता है। अब लद्दाख जैसे रीजन में सर्दियों में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, लगभग वहाँ पे 35-40 तक चला जाता है माइनस में टेम्परेचर, तो वहाँ पे डीजल की एक्सेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जो हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि इंडिया की PSU है, उसने भी एक ऐसा डीजल बनाया है जो कि सर्दियों में भी नहीं जमेगा, यानी कि लद्दाख जैसे रीजन में -30-40 डिग्री टेम्परेचर में भी नहीं जमेगा। वो वहाँ की जो प्रॉब्लम है कि भाई फ्यूल नहीं मिल पाता उस एरिया में, उसको कंट्रोल है वो करेगा। तो उसी को लेके न्यूज़ यहाँ पे आई है कि भाई एक्सट्रीम जो विंटर वेदर है वहाँ पे भी डीजल अब एक्सेस हो जाएगी लद्दाख के रीजन में। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव माना जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है ग्राम सभा के बारे में। देखो न्यूज़ ये थी कि हरियाणा की जो सरकार है वो अभी ग्राम सभा को और ज़्यादा एम्पावर करने की सोच रही है, ताकि जो वहाँ पे आस मतलब हर ग्राम सभा के पास एक पावर होगी, वो अपने जो ठेके वगैरह हैं, मतलब शराब के ठेके हैं, इनको रोक सके या वो उनको बंद करवा सके। यानी कि हर गांव में कोई ठेका ग्राम सभा चाहते कि बंद किया जाए, तो ये पावर वहाँ की गवर्नमेंट सोच रही है कि ग्राम सभा को दी जाए ताकि वो ठेके वगैरह को बंद कर सकें। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ग्राम सभा। देखो ग्राम सभा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो संविधान के आर्टिकल 243 के सेकंड पार्ट में दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 243 B है वो ग्राम सभा को लिए को रिप्रेजेंट करता है कि भाई ग्राम सभा है वो क्या है, इसके बारे में फैक्ट दिया गया है। इसी के साथ ही जो ग्राम सभा है वो एक प्राइमरी बॉडी है किसकी? पंचायती राज सिस्टम की। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पंचायती राज सिस्टम के जनक कौन थे, पहले तो आप ये बताओ, मतलब पंचायती राज सिस्टम है वो इंडिया में कौन लेके आया था, और सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम की कौन से स्टेट से कहाँ से शुरुआत की गई थी? ये क्वेश्चन आपके लिए, मतलब 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कौन से स्टेट से हुई है, ये आपको दोनों चीज़ें बतानी है। कौन इसका फादर था ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक परमानेंट बॉडी है, मतलब इसे ऐसा नहीं कि जब जाओ तब तो रिमूव कर दो, परमानेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन किया गया है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी दिया गया है कि जो ग्राम सभा होती है अगर उसने कोई डिसीजन ले लिया है और इसको वापस से आपको मतलब ख़त्म करना है, अवॉइड करना है, नल करना है, जीरो करना है, तो ग्राम सभा ही कर सकती है,
जैसे कि किसी ग्राम सभा ने कोई ऑर्डर जारी कर दिया तो वो ग्राम सभा ही वापस ले सकती है, कोई और उसे जीरो नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं ग्राम सभा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है वो प्रोवाइड करवाती हैं। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कोई भी 18 साल से बड़ा पर्सन है वो ग्राम सभा का मेंबर बन सकता है। इसी के साथ कंडीशन ये होती है कि वो उसी विलेज में रहना चाहिए ताकि वो उसी ग्राम सभा का मेंबर बन सके। वो जो इलेक्टोरल रोल होते हैं वहाँ पे, उनमें पंचायती सिस्टम में उनका नाम मेंशन है वो होना चाहिए। तो ये कुछ तीन कंडीशन है कि कौन ग्राम सभा में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हम ये देखते हैं कि पंचायती राज सिस्टम या जो ग्राम सभा है इसके काम क्या होते हैं। देखो, एक तो गांव के अंदर जो भी डेवलपमेंट संबंधित कार्य हैं, कहाँ पे किस काम की ज़रूरत है, ये सारे काम पंचायती सिस्टम के तहत मतलब ग्राम सभा के द्वारा ही किए जाते हैं। ग्राम सभा डिसीजन लेती है कि कौन से एरिया में कहाँ कितना डेवलपमेंट करना है, कौन सी स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट करना है, जैसे कि मनरेगा और जैसी स्कीम्स हुई या और भी काफ़ी सारी स्कीम होती हैं। एग्जाम्पल को जैसे आपको बताऊं कि गवर्नमेंट जैसे टॉयलेट बनाने के लिए जो स्कीम आई थी, तो गवर्नमेंट ने हर पंचायती हर मतलब ग्राम पंचायत को पैसा दिया था और फिर ग्राम पंचायत ने आइडेंटिफाई किया कि भाई किन किन लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको पैसा दिया जाए ताकि वो घर में टॉयलेट बना सकें। तो ऐसे जो सारे मतलब स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का जो काम है ग्राउंड लेवल पे, वो ग्राम सभा के द्वारा ही किया जाता है ताकि सही बेनिफिशियरी को, लाभार्थी को सिलेक्ट किया जाए और उसको इस स्कीम का बेनिफिट है वो पहुँचाया जा सके। क्योंकि देखो, गाँव के लोगों को तो पता ही होता है ना कि किसकी माली हालत ख़राब है, किसको सपोर्ट की ज़रूरत है, कौन सी स्कीम की ज़रूरत है। तो इसलिए ग्राम सभा को ये पावर है वो दी गई है। इसी के साथ ही जो स्कूल एजुकेशन हुई और फैमिली वेलफेयर के प्रोग्राम है वो चलाती है ग्राम सभा। और समाज में या फिर आप बोल सकते हो गांव के अंदर एक यूनिटी हारमोनी सिस्टम को डेवलप करने का, सोसाइटी का माहौल अच्छा रहे, ये सारे काम किए जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखना कि जो लेवी ऑफ टैक्सेस है, रेट हुए, रेंट वगैरह को लेके फीस वगैरह हुई, ये सारे जो काम हैं वो भी ग्राम सभा के द्वारा किए जाते हैं। इसी के साथ ही जैसे गांव में कोई वेलफेयर प्रोग्राम चल रहा है तो उसके लिए वॉलेंटियरी लेबर का आयोजित करना है या फिर कोई भी केस वगैरह प्रोवाइड करना है, तो ये काम भी ग्राम सभा के द्वारा किए जाते हैं। तो कुछ ग्राम सभा के कामों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है किम्बरले प्रोसेस के बारे में। देखो, ये वर्ड काफ़ी बार न्यूज़पेपर में आता है। न्यूज़ बेसिकली अभी ये आई थी कि किम्बरले प्रोसेस की जो मीटिंग है वो इस बार नवंबर में दिल्ली में मतलब इंडिया में आयोजित है, वो की जा रही है। तो इस बार इंडिया को इसका चेयरपर्सन हेड है वो इलेक्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि किम्बरले प्रोसेस के लिए कोई ऑफिस वगैरह नहीं बनाया गया है, कोई ये नहीं कि भाई इसका परमानेंट ऑफिस वगैरह है, बस कंट्रीज ने आपस में मिलकर इसको बना रखा है। क्या ये किम्बरले प्रोसेस, या फिर आपने कई बार ये नाम भी सुना होगा कि किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम, दोनों को बारे में हम देख लेते हैं। देखो, किम्बरले प्रोसेस का मतलब ये है, जैसे कि आप ही ले लो कि कोई भी डायमंड है, तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी से आपने माइनिंग की तो जो डायमंड आपको मिला पत्थर की फॉर्म में, स्टोक मतलब स्टोन की फॉर्म में, उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। उसको थोड़ा प्रोसेस करना होता है, उसको फिर काटना छाटना पड़ता है, तब जाके वो मार्केट में मतलब सही डायमंड की आकार है वो लेता है। तो जो रॉ डायमंड हो गए, यानी कि जो आप माइन से निकाल रहे हो सीधा पत्थर जैसे फॉर्म में, उसको कहते हैं नॉर्मल रॉ डायमंड। अब देखो, वो डायमंड है वो लीगल तरीके से ही मार्केट में आई, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ इलीगल ग्रुप्स हैं वो मार्केट में लेके आ जाते हैं जिसे वो स्मगलिंग या गलत काम करते हैं। तो एक तरीके से ये किम्बरले प्रोसेस है वो एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम है कि भाई जो भी रफ डायमंड है ना उसको प्रॉपर तरीके से उसका ट्रेड होना चाहिए, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उनको फॉलो करना है और कौन सी कंट्री में मतलब क्या क्या गाइडलाइंस उनको फॉलो करते हुए चलना है और जो भी सारी गाइडलाइन उनको यहाँ पर फॉलो किया जाता है। मतलब यह किम्बरले प्रोसेस क्या करती है, एक रास्ता देती है रफ डायमंड को कि वो किस तरीके से ऑफिशियली इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड के थ्रू बिक सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि जो गलत, जैसे कि ये मान लो कि सोमालिया के पायरेट्स हैं वो कहीं से डायमंड वगैरह है चोरी कर रहे हैं इधर उधर से और फिर वो मार्केट में लाके बेचें। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए किम्बरले प्रोसेस है वो बनाई गई है और इसी के लिए है किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। काम क्या है इसका कि जो रफ डायमंड है, कि जो कच्चा डायमंड हुआ माइन से निकला हुआ, उसको लेके गवर्न करने के लिए कि वो किस तरीके से मार्केट में आ सके। तो इस बार की जो मीटिंग है किम्बरले प्रोसेस की वो इंडिया में आयोजित है वो की जा रही है। तो ये ध्यान रखना, यूपीएससी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किम्बरले प्रोसेस किससे रिलेटेड है, यूरेनियम वगैरह तो नहीं, ये डायमंड को लेके है कि भाई रफ डायमंड है वो मार्केट में प्रॉपर रेगुलेशन के अंदर ही आए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है आज यहाँ पे, वो आया है टारगेट ओलंपिक पेडुलम पोंडुलम स्कीम के बारे में। तो क्या है टारगेट स्कीम, ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में? देखो, यह मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का एक प्रोग्राम है, स्कीम है। इसका टारगेट ये रखा गया है कि भी आगे आने वाले जो भी कॉमनवेल्थ या ओलंपिक होने वाले हैं ना, उसमें इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड हैं, गोल्ड हैं, वो और भी तरह के अवार्ड हैं वो मिले। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जो बाकी कोई भी ओलंपिक प्रोग्राम होता है तो उसमें चाइना जैसी कंट्री है वो काफ़ी सारे अवार्ड्स वो लेके आती है, जबकि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम रहती है।
तो मतलब हमारे देश में स्पोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए या फिर स्पोर्ट्स वाले एरिया में ज़्यादा, आप बोली बोल सकते हो कि ओलंपिक जो गेम होने वाले हैं आगे, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडल इंडिया लेके आई, इसके लिए स्कीम लाई गई है। होगा क्या इसमें? इस स्कीम के तहत एक फंड बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। इस फंड के तहत क्या किया जाएगा कि जो इस फंड का पैसा है वो एक्चुअली जिस भी पर्सन को जरूरत है, नहीं, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन जिसको कस्टमाइज ट्रेनिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग, इसी के साथ ही उसको जैसे कि और मतलब तैयारी करनी है, कोच वगैरह को हायर करना है, नेसेसरी सपोर्ट चाहिए होता है, वो पैसा दिया जाएगा इस नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के द्वारा, ताकि जो एथलीट है वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सके और एक अच्छा स्कोर, या बोल सकते हो कि इंडिया को अवार्ड है वो दिला सके। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के गाइडलाइन से उनको फॉलो किया जाएगा। इसी के साथ ही जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो जो फेडरेशन है, वो क्या करेगी, मिशन ओलंपिक सेल है इसके साथ मिलकर मतलब इस फंड को रेगुलेट है वो करने वाली है, और जो भी ज़रूरतमंद पर्सन है उसको इस फंड के थ्रू पैसा दिया जाएगा ताकि और अच्छा काम वो कर सके। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है स्टार लिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट के बारे में, तो देख लेते हैं क्या है। देखो, स्टार लिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट है ना, ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है कि यूएसए की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, जिसे किसी इंडिया की गवर्नमेंट एजेंसी का क्या नाम है, इसरो, यूएसए का क्या नाम है, नासा। उसी तरीके से नासा में एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स है वो वर्ल्ड की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी है जो कि इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, और उसका एक टारगेट ये था 2015 में एक वो मिशन लेके आए थे कि भाई पूरे स्पेस के अंदर वो सैटेलाइट लगाएंगे ताकि इंडिया का, सॉरी इंडिया नहीं, जो हमारी अर्थ का कोई भी कोना ना, वहाँ से इंटरनेट एक्सेस मिल सके। देखो, अभी तो क्या है कि हमें जो इंटरनेट एक्सेस मिलती है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल की हेल्प से मिलती है, बट काफ़ी ऐसे एरियाज होते हैं जंगल घने कि जहाँ पे आपको इसकी एक्सेस इंटरनेट की नहीं मिल पाती। तो इस एक्सेस मतलब ऑल ओवर अर्थ में किसी भी कोने में पे आपको इंटरनेट की एक्सेस मिल सके, इसके लिए स्पेस एक्स का एक मिशन था कि भाई 2015 में कि हम स्पेस में सेटेलाइट लॉन्च करेंगे स्टारलिंग नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत, और फिर उन सेटेलाइट के थ्रू, स्पेस के थ्रू हम इंटरनेट है वो लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे काफ़ी सस्ती रेट में। यानी कि इसे स्पेस इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है इस मिशन को, तो ये भी आप ध्यान रखना कहीं आ जाए कि स्पेस इंटरनेट क्या है। तो ध्यान रखना, स्पेस इंटरनेट है वो स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है जो कि स्पेस एक्स कंपनी का एक प्रोग्राम है। इसमें लगभग उम्मीद की जाती है कि 12,000 के आसपास टोटल सेटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे हमारी अर्थ के चारों ओर। तो अभी देखो न्यूज़ आई थी कि 60 सेटेलाइट है वो लॉन्च किए गए हैं लो अर्थ ऑर्बिट में इस प्रोजेक्ट के तहत। बाकी मैंने डाटा आपको बता दिया कि है क्या, कि स्पेस में जो सेटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे उनकी हेल्प से हमें इंटरनेट एक्सेस मिलेगी, हमें ऑप्टिकल फाइबर जैसी केबलों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, तो हम अर्थ के किसी भी कोने से इंटरनेट को एक्सेस कर सकेंगे। इसी के लिए मिशन है वो जारी किया गया है कि वर्ल्ड में लो कॉस्ट पर रिलायबल स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए टारगेट है वो इसका रखा गया है। तो लगभग अभी तक 122 सेटेलाइट लॉन्च कर दिए गए हैं, बाकी धीरे धीरे और सेटेलाइट है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। फिलहाल के डिस्कशन में देखो इतना ही है, आज हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि आज थोड़ी न्यूज़ ज़्यादा हो गई थी। अब एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लाला लाजपत राय के बारे में जाना, उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो हमने कवर की, जैसे कि अनहैप्पी इंडिया, इंडिया इंग्लैंड, डेप टू इंडिया, यंग इंडिया, जो उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसी के साथ हमने सांस प्रोग्राम के बारे में जाना, यानी कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, कि महाराष्ट्र जो गुजरात है वहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इसी के साथ हमने ADMM प्लस मीटिंग के बारे में जाना कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो बैंकॉक में इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर, टोटल 18 कंट्रीज हैं इसमें। और हमने विंटर ग्रेड डीजल के बारे में जाना कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लद्दाख जैसे रीजन में फ्यूल ना जमे सर्दियों में, इसके लिए डीजल है वो लॉन्च किया है। और हमने यहाँ पे ग्राम सभा के बारे में जाना और ग्राम सभा की क्या पावर है वो हमने यहाँ पे कवर की है। इसी के साथ हमने किम्बरले प्रोसेस के बारे में जाना, जो कि जो कच्चे डायमंड होते हैं इनको मार्केट में सर्टिफाइड के थ्रू मार्केट में लाए जा सके, इसके लिए लॉन्च की गई थी। और हमने यहाँ पे टारगेट ओलंपिक बोर्डुलम स्कीम के बारे में जाना। लास्ट में हमने टारगेट सॉरी लास्ट की न्यूज़ हमारी न्यूज़ थी वो थी स्टार लिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि स्पेस एक्स का एक इम्पोर्टेंट मिशन है। तो फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।